क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं गणित दर्पण चैनल पर कंटिन्यू एक्सीलेंट की डेस्क पर, और आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है 15वां। निम्न बंटन का कल्पित माध्य विधि से आपको माध्य निकालना है, ठीक है। एक बंटन दे रखा है, कल्पित माध्य विधि से आपको इसका माध्य निकालना है। वैसे आपको पता होगा कि माध्य निकालने की टोटल कितनी विधियाँ हैं, तीन, ठीक है। जो सबसे सरल है वो है प्रत्यक्ष विधि, परंतु इसके अंदर जो गणना है वो थोड़ी हार्ड बनती है, इसलिए नेक्स्ट विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि है वो फर्स्ट विधि है। नेक्स्ट दूसरी जो विधि है वो है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। और तीसरी जो विधि है वो है पद विचलन विधि, पद विचलन या पग विचलन भी कहते हैं इसको। तो आप एग्जाम के अंदर यदि मान लो डायरेक्ट आपको नहीं पूछा जाता है कि पर्टिकुलर इस मेथड से माध्य निकालिए, तो आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके एग्जाम के अंदर माध्य है वो निकाल सकते हैं। परंतु इस प्रश्न के अंदर देखो स्पेशल पूछा है कि इस बंटन का कल्पित माध्य मानकर माध्य एक्स बार ज्ञात कीजिए, तो आपको इसी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कल्पित माध्य विधि से माध्य है वो कैसे निकालना, बहुत ही सरल विधि है, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड ये आपको दे रखा है, वैसे के वैसे खड़े रो में लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहला है वो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, ओके। और दूसरा है वो बारंबारता, बारंबारता, और बारंबारता को एफ आई से प्रेजेंट करते हैं, ये आपको अच्छे ढंग से पता है, काफी प्रश्न आपने किए हैं। अब देखो जो दे रखा है वो ऐसा कैसा लिख लेता हूँ मैं, अंतराल 10 से 25, फिर 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, ठीक है। ये सारे जो वर्ग अंतराल है वो मैंने लिख दिए। नेक्स्ट है आपकी बारंबारता, तो बारंबारता भी लिख लेता हूँ मैं, 2, 3, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ऐसा कैसा लिखना है, 7, 5, 6 और 7, ओके। अब देखिए आपका काम स्टार्ट होता है कि आपको इन तीन कॉलम में क्या करना है, 1, 2 और 3, आपको याद रखना है कि 5 कॉलम वाली टेबल बनाना है अगर कल्पित माध्य विधि से आपको माध्य निकालना है। तो अब जो तीसरा कॉलम है वहां पे लिखेंगे हम वर्ग चिन्ह या फिर मध्यमान, आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ मध्यमान लिखता हूँ ताकि आपके याद रहेगा दिमाग में कि मध्य का मान निकालना है, ठीक है। और इसको एक्स आई से प्रेजेंट करेंगे। अब देखिए मध्य का मान, मध्य का मान किसका, 10 और 25, यानी जो ये वर्ग अंतराल है इनको जोड़ के 2 का भाग देना ऐसे समझ सकते हैं, या फिर इनका आधा करना, यानी मध्य का मान निकालना। तो 10 और 25 को जोड़ दो कितने हो गए, 35, और 35 के जो आधे होते हैं वो कितने होते हैं, 17.5। तो यहाँ पे सीधा लिखूंगा मैं 17.5। इसी प्रकार देखिए जो 25 है और 40 है इनको जोड़ दो कितने हो गए, 65, और 65 का जो आधा है वो कितना हो गया, 32.5। तो इस प्रकार से आपको सभी ये जो वर्ग अंतराल है इनको जोड़ जोड़ के आपको आधा करते जाना है और यहाँ पे फिलअप करते जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ ताकि आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। अब आपको समझ में तो आ गया है कि जो निम्न सीमा है ये और ऊंच सीमा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मध्यमान निकलता है, ठीक है, ये रूल है। तो मैं जल्दी से इन सभी संख्याओं का मध्यमान है वो निकाल देता हूँ। तो मैंने ये सभी मध्यमान है वो लिख दिए। अब आपका जो तीसरा है वो है डी आई, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब देखिए एक्स आई के मान तो सभी आपके पास में है, 17.5, 32.5, 47.5, ये ए है वो क्या है, तो वो ए है वो कल्पित मान है, वो आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ मान लेते हैं माना कल्पित मान, ठीक है, यानी कल्पित माध्य विधि के अंदर ए आपको मानना पड़ेगा। तो माना कल्पित मान यानी ए, ब्रैकेट के अंदर ए लिख रहा हूँ, ए है वो कितना है यहाँ पे, अब ए कैसे मानना है वो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। देखिए एक्स आई के जो भी मान है, जैसे ये 17.5 है, 32.5 है, 47.5 है, ये जो रो है पूरी, इन सभी संख्याओं में सबसे सेंटर में जो संख्या है उसको मानना है। तो देखिए ऊपर मैंने जैसे यहाँ पे कितनी संख्या है टोटल, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये टोटल संख्या कितनी है, 6।
तो बीचों बीच में तो संख्या आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर सात होता तो हमारी जो चौथी संख्या है वो हो जाती। परंतु यहाँ पे आप या तो इसको मानो 47.5 को या फिर 62.5 को मानो, किसी को भी मान के आप करोगे आपके आंसर है वो सही आएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है ऐसी स्थिति में आपको किसी भी एक संख्या को लेना है। तो यहाँ पे मैं 47.5 को ले लेता हूँ कल्पित मान, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 47.5 को कल्पित मान 47.5। अब आपको क्या करना है, देखिए एक्स आई का जो मान है ये 17.5, इसमें से 47.5 को घटाना है ताकि हमारा डी आई का जो फर्स्ट मान है वो निकल जाए। देखिए एक मैं आपको घटा के बता देता हूँ, यानी 17.5 है, इसमें से आपको क्या घटाना है 47.5, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, डी आई बराबर है एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई का जो मान है वो तो क्या है, ये 17.5, और ए का मान हमने माना है 47.5, तो इसमें से घटाएंगे। अब आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, यानी 47.5 में से 17.5 है वो घटा दो। ठीक है, अब घटाते वक्त भी ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट संख्या लिखेंगे, और बिल्कुल घटाने का तरीका मैंने अच्छे ढंग से आपको कई बार समझाया हुआ है। तो 5 में से 5 गया ये 0, 7 में से 7 गया 0, और 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3, यानी 30.0 आ रहा, राइट। और पॉइंट के बाद में जो 0 है वो नहीं लिखा जाता, तो यहाँ से सीधा मैं लिखूंगा माइनस का 30। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई है हमने, यानी माइनस वाला मान आएगा, तो माइनस का आ गया 30। ठीक है, इसी प्रकार जैसे देख 32.5 में से आपको क्या घटाना है 47.5, तो यहाँ से सीधा आ जाएगा हमारा माइनस का 15, और 47.5 में से 47.5 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। फिर 62.5 में से 47.5 को घटाएंगे, यानी ए का सभी में से आपको ये घटाना है 47.5 को। ओके, तो 62.5 में से जब 47.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मान 15। फिर 77.5 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 30, और इसी प्रकार 92.5 में से 47.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 45। क्लियर। अब देखिए आपके डी आई के सभी मान आ गए, आपका अंतिम कॉलम की पूर्ति करना वो है एफ आई और डी आई, यानी एफ आई के जो मान है ये 2, 3, 7, 5, इनका गुणा करना है डी आई वाले मान से। ये सभी -30 से होगा, -15 से होगा, कंटिन्यू। तो चलिए मैं गुणा करके लिख लेता हूँ जल्दी से, कि जो 2 है इसका गुणा हो जाएगा -30 से, तो क्या आ जाएगा माइनस का 60। इसी प्रकार 3 का गुणा -15 से होगा तो आ जाएगा माइनस का 45। 7 का गुणा 0 से होगा तो 0। 5 का गुणा 15 से होगा तो आ जाएगा 75, 75। और 6 का गुणा 30 से होगा तो आ जाएगा 180। और 7 का गुणा 45 से होगा तो आ जाएगा हमारा 315। ये गुणा करके आप देख लेना, आराम से गुणा आपको आता ही होगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से कर दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, -60, -45, 75, 180 और 315, इन सबको जोड़ना है, यानी आपको क्या निकालना है सिग्मा एफ आई और डी आई, और सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब क्या हुआ, इन सब का योग। अब योग निकालने के लिए तरीका ये है कि माइनस माइनस वाली संख्या को अलग से जोड़ो और प्लस प्लस वाली संख्या को अलग से जोड़ो। तो मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ, देखिए -60 और -45 जोड़ेंगे तो माइनस के क्या हुआ 105। इसी प्रकार 75, 180 और 315 इन सबको जोड़ दो तो क्या आ गया 570। ठीक है, अब देखो 570 में से 105 को घटा दो, सिंपल सा आपके आ जाएगा 465। ठीक है, यानी जो 570 में से 105 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके 465। ये आ गया सिग्मा एफ आई डी आई। एक चाहिए फॉर्मूले के अंदर हमें सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई निकाल दो, यानी इस सिग्मा एफ आई के अंदर जितने भी मान हैं इन सबको योग करेंगे तो आ जाएगा 30। अब फॉर्मूला लगा के आप इजीली कल्पित माध्य विधि से माध्य निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा के आपको बता देता हूँ। तो हमारा जो सूत्र है वो क्या है, माध्य बराबर होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिख के आपको अच्छे ढंग से याद करना है। अब देखिए ए है वो कल्पित मान है, तो क्या है 47.5 है, तो 47.5। फिर प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, अब सिग्मा एफ आई डी आई आपने निकाला है कितना है 465, तो यहाँ लिखेंगे
465 बाय सिग्मा एफ आई भी हमारे पास में है 30, तो यहाँ आ जाएगा 30। सारे मान आ गए, अब आपको गणना करनी है, यानी 47.5, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे 465 के अंदर 30 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपकी 15.5, ठीक है। अब 47.5 और 15.5 को जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा 63, ठीक है। इस ढंग से आपका आंसर आ गया, मध्य आ गया 63।